देश टीवी की सुर्खियों में देखते हैं आज के देश विदेश की चर्चित खबरें। 3 फरवरी की सुर्खियों में पहले स्थान में है बलात्कार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में सोमवार को जमानत दे दी है। लॉ छात्रा के यौन शोषण के मामले में अभी वह जेल में बंद है। चिन्मयानंद के ट्रस्ट की ओर से संचालित कॉलेज की लॉ छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता 23 वर्षीय लॉ छात्रा भी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई थी। इसके बाद उसे दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया। चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि लॉ छात्रा और उसके दोस्तों ने कुछ वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, जिसमें वह छात्रा से अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। आज के सुर्खियों में दूसरे स्थान पर है CA और NRC पर आया CM उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि वह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन NRC और NRP का विरोध करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना की महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी कांग्रेस और NCP, NPR और NRC सहित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि वह महाराष्ट्र में NRC लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे हिंदुओं को भी अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत होगी। आज के सुर्खियों में तीसरे स्थान पर है प्रकाश जावड़ेकर ने CM केजरीवाल को बताया आतंकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता जो उनके पक्ष में खड़ी थी वो अब पीछे हट गई है। इस कारण अब वो अपने आप को मासूम बताकर पूछ रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ तो हाँ। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर केजरीवाल आतंकवादी हैं तो सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। आज के सुर्खी में चौथे स्थान पर है CM योगी का केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है। सोमवार को UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने विकासपुरी के एक रैली में कहा कि पाकिस्तान के मंत्री को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल ही शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों को बिरयानी खिला सकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव के तहत अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बीते कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की हैं। आज के सुर्खियों में पांचवे स्थान पर है लोकसभा में मंत्री अनुराग ठाकुर के विरोध में लगे नारे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक चुनावी रैली में दिए बयान का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। दिल्ली के रिठाला BJP उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान अनुराग ठाकुर ने गोली मारो गद्दारों को नारे लगवाए थे। इस पर आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और नारे लगवाए, गोली मारना बंद करो, देश तोड़ना बंद करो। अनुराग ठाकुर ने जैसे ही बोलना शुरू किया विपक्षी सांसदों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद ने BJP सांसद प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के हाल ही में दिए बयानों पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। आज के सुर्खियों में छठे स्थान पर है कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन में हुबई प्रांत में कोरोना वायरस के चलते रविवार को 56 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 350 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस का तीसरा मामला सामने आया है। ये मामला भी बाकी दो मामलों की तरह केरल से है। इस वायरस के सभी मामले राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामने आए हैं। केरल में कोरोना वायरस के मामले में पुष्टि पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए केरल सरकार को हर तरह की मदद देने को तैयार है। आज के सुर्खियों में सातवें स्थान पर है महात्मा गांधी के सत्याग्रह को भाजपा सांसद ने कराई फजीहत। नागरिकता कानून पर घिरी केंद्र सरकार की बजट सत्र की शुरुआत में ही फजीहत हो गई। कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के सत्याग्रह को ड्रामा कह डाला। इस पर BJP पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और आलाकमान ने अनंत हेगड़े से तुरंत माफी मांगने को कहा है। BJP सांसद अनंत हेगड़े ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अंग्रेजों की सहमति और समर्थन के साथ स्टेज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी तथाकथित नेता को पुलिस ने नहीं पीटा, इनका स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा ड्रामा था। अब सांसद को कड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही इस बयान पर बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा गया है। पार्टी की ओर से साफ कहा गया है कि इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज के सुर्खियों में आठवें स्थान पर है छत्तीसगढ़ में पंचायत आम निर्वाचन के लिए अंतिम चरण का आज हुआ मतदान।
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के तीसरे और अंतिम चरण में 3 फरवरी यानी सोमवार को मतदान पूरा हो गया है। अंतिम चरण में 27 जिलों के 53 विकासखंडों के 4,289 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। इन क्षेत्रों में 53,68,875 मतदाता रहे। सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। नक्सल क्षेत्रों में थोड़ी बहुत विरोध के बावजूद मतदान शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। मतदान के बाद सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतगणना भी शुरू हो चुकी है। आज ही देर रात तक विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। आज के सुर्खियों में नवे स्थान पर है फिल्म मलंग का सॉन्ग हुआ रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी, आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की फिल्म मलंग का नया सॉन्ग हुई मैं मलंग रिलीज हो गया है। इस गाने में दिशा पटानी अपने सीजलिंग अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना रही है। गाने में दिशा ने अपने सीजलिंग अंदाज से फैंस को मंत्रमुग्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और गाने में वह बेहद खूबसूरत भी लग रही हैं। यह एक ग्रूवी सॉन्ग है जो दर्शकों की प्लेलिस्ट में जगह बनाने के लिए तैयार है। आज के सुर्खियों में 10वें स्थान पर है संजय मांजरेकर ने विराट की इमरान खान से की तुलना। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर कप्तानी के मामले में विराट कोहली की तुलना पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान से की है। मांजरेकर के अनुसार टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ष 1992 में वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले इमरान खान में कई समानता हैं। मांजरेकर ने साथ ही कहा कि इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम भले ही हार की कगार पर होती थी, लेकिन वह मैच जीतने के लिए नए रास्ते तलाशती थी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। This TV, we report, you decide.